पिछले एपिसोड में हमने आपको विजय यज्ञ सामग्री लाने तक की गाथा से परिचित कराया था। आगे की कड़ी में आज हम आपको धनुष कोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि श्रीलंका ने लंका पहुंचकर रावण से युद्ध लड़े और उस युद्ध में विजय हासिल की और अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस अयोध्या आने लगे तो विभीषण उनके साथ हो लिए। जब राम सेतु के लंका वाले छोर पर पहुंचे तो विभीषण ने राम सेतु को लेकर राम को सलाह दी कि आप अपने धनुष से इस सेतु को धर्म रक्षा हेतु नष्ट कर दे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि विभीषण ने ऐसा क्यों सोचा। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि रावण के भाई विभीषण के कहने पर राम ने अपने धनुष से सेतु के एक सिरे को तोड़ दिया, जिसके कारण यह स्थान धनुष कोड़ी के नाम से विख्यात हो गया, जहां आज भी एक रेखा के रूप में दिखाई देते टापों और चट्टानों की प्राचीन श्रृंखला सेतु के अवशेष के रूप में है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि काशी, महोदधि, बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर, हिंद महासागर के संगम सहित धनुषकोड़ी और रामेश्वरम में पूजा करने पर किसी भी व्यक्ति की पूजा पूर्ण होती है। लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी से आप दिल्ली से रामेश्वरम के लिए दो रास्तों से जा सकते हैं, एक तो मदुरै से और दूसरा चेन्नई होकर। फ्लाइट से भी या चेन्नई मदुरै पहुंचा जा सकता है। यह स्थान पौराणिक महत्व होते हुए भी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पौराणिक मान्यता है कि लंका जीतकर लौटते हुए विभीषण के कहने पर श्रीराम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ा था, जिस सेतु से वानर सेना ने राम के साथ लंका जाकर युद्ध किया था। यहाँ पर राम ने नल, नील, हनुमान आदि को समुद्र के ऊपर ऐसा पुल बनाने को कहा था जिससे वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुषकोड़ी में भगवान राम के कई मंदिर आज भी हैं। 1964 में चक्रवात से पहले धनुषकोड़ी बेहतरीन पर्यटन स्थल था। बता दें कि यहाँ नगर में रेलवे स्टेशन, अस्पताल और होटल जैसी सारी सुविधाएं थीं, लेकिन चक्रवात ने सब खत्म कर दिया। यहाँ एक बार 200 यात्रियों से भरी ट्रेन जलमग्न हो गई। उसके बाद यहाँ लोगों ने आना लगभग बंद कर दिया और सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया। धनुषकोड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर गाढ़ा नीला दिखता है तो उत्तर में बंगाल का उपसागर मैले काले रंग का दिखता है। इन दोनों सागरों में 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है और दोनों ही सागरों का पानी नमकीन है, लेकिन धनुषकोड़ी में सिर्फ 3 फुट गड्ढा खोदने पर ही मीठा पानी आ जाता है। चारों तरफ खारा पानी के बावजूद भी यहाँ पर मीठे पानी का होना बड़ा आश्चर्य नहीं है तो क्या है। रामेश्वरम द्वीप के किनारे को भारत का अंतिम छोर कहा जाता है। वह स्थान है जहां से ऊंचाई पर खड़े होने पर श्रीलंका नजर आता है। वीरान हो चुकी इस जगह पर बहुत से लोग रहते थे। अब यह स्थान भारत और श्रीलंका के एकदम बीच में है। आज का विषय यहां पर पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा करें हमारे कल के एपिसोड का, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना एन दर्शन।